इसका नाम नहीं कुछ, पप्पू ही बोलते। आतिक। अच्छा आतिक भाई का पेड़ बहुत निकल रहा है भाई, फिटनेस नहीं लग रही। आतिक भाई फिटनेस में नहीं लग रहे कुछ। स्ट्राइक पे है आतिक और नॉन स्ट्राइक पे है अजहर। देखते हैं बागमारे की जानिब से एक कितना बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बैटिंग वहां पर आरवी में ज़रूर मौजूद है। दानिश और फुरकान की मैंने बैटिंग देखा है, एक अच्छी बैटिंग करते हो। फौजान अपनी बॉलिंग के मार के पर तैयार, राइट हैमर ऑन द विकेट से पहली ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए। फौजान तैयार अपनी बॉलिंग मार के ऊपर, राइट हैमर ऑन द विकेट से, जर्सी नंबर 10 उस एक रन चुराने में जरूर कामयाब है। सॉरी लेफ्ट हैम और ऑन द विकेट से बॉलिंग कर रहे फौजान। एक रन से अकाउंट ओपन हुआ बागमारला का। अब आए अजहर फौजान के लिए, लेफ्ट हैम और ऑन द विकेट से तैयार अपनी बॉलिंग मार के ऊपर। अच्छा बुलेट शॉट लगाया, उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पर, एक ही रन से संतुष्ट होने के बाद स्कोर पहुंचा 2 के ऊपर। एक अच्छी बैटिंग वहां पर, मजबूत बैटिंग दिख रही है जरूर। और ये बुलेट शॉट लगा, उतनी खूबसूरत वहां पर शॉट, बेहतरीन शॉट, अंपायर का इशारा है 4 रन। बुलेट शॉट लगाया, स्कोर जा पहुंचा 6 रन। थोड़े से महंगे जरूर साबित होते हुए, 3 गेंद बचे हैं अभी तक, कमबैक कर सकते हैं फौजान। 3 गेंदों में 6 रन खर्च किए, फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार के पर, लेफ्ट हैमर ऑन द विकेट से आतिक के लिए। एक आतिक के उम्दा हार्ड हिटर जरूर है वहां पर। फिर से कदमों का इस्तेमाल करने के बाद फिर से एक इशारा, अंपायर का इशारा 4 रन। स्कोर जा पहुंचा 2 अंकों में 10। जबकि लास्ट 2 गेंद आना अभी भी बाकी, फौजान महंगे साबित होने के बाद फौजान तैयार अपने बॉलिंग मार के पर, राइट लेफ्ट हैमर ऑन द विकेट से आतिक के लिए। अच्छी बैटिंग करते हैं आतिक यहां पर, 2 गेंदों पे 2 चौके लगाने के बाद एक टीम को एक ऊंचाई का स्कोर देने का 10। और फिर से वही चूक की, भूल की, और पवेलियन वापस। वैजू को बुलाया है आतिक ने, जबकि लास्ट 1 गेंद आना बाकी, स्कोर पहुंचा है 2 अंकों में 10। एक अच्छी बैटिंग की थी आतिक ने, लेकिन तुच गाय करने के बाद पवेलियन वापस। लास्ट 1 गेंद आना बाकी, राइट हैम रॉन द विकेट, लेफ्ट हैम रॉन द विकेट से अपनी बॉलिंग मार के ऊपर। लेफ्ट हैम रॉन द विकेट से और हल्का सा फ्लिक किया, कट किया, खूबसूरत सा कट, उम्दा सा कट, और स्कोर जा पहुंचा 2 अंकों में 11 रन। एक ओवर के खिताब पे बागमारला का स्कोर है 11 रन, 11 रन्स। एक मजबूत स्थिति में लाके आतिक ने खड़ा किया, जो 2 गेंदों में 2 चौके लगाए उन्होंने, और अपनी टीम के लिए एक 8 रन का 9 रन का योगदान दिया। स्कोर जा पहुंचा 2 अंकों में 11 रन एक ओवर के खिताब पे। मुझू आए हैं स्ट्रेट ड्राइव करने के बाद, एक ही रन से संतुष्ट होने के बाद स्कोर जा पहुंचा 2 अंकों में 12 रन। फिर से तैयार मुझू अपनी बॉलिंग मार के ऊपर, राइट हैम रॉन द विकेट से अच्छा शॉट लगाया, बुलेट शॉट लगाया यार, अंपायर का इशारा 4 रन, उम्दा शॉट। स्कोर जा पहुंचा 16 के ऊपर। फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार के ऊपर, राइट हैम रॉन द विकेट से अच्छा बैटिंग करने के बाद एक रन चुराने में जरूर सफल होंगे। 8 रन से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा 2 अंकों में 17 रन, 17 रन। उम्दा बैटिंग वहां पर, बुलेट शॉट कदमों का इस्तेमाल करने के बाद आसान सा कैच जरूर, अच्छा सा कैच लपकने में जरूर कामयाब हुए। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज, नबियान।
चार बॉल हो गया, स्कोर है 70 रन, नहीं 17 रन हो चुका है। तैयार अपने बॉलिंग मार के पर आइटम राउंड द गेट से, और थोड़ा से बीट हुए, 17 हो चुका है स्कोर। आप एक मजबूत स्थिति में हो तो आपको एक अच्छे से रन बटोरने के एक साथ देना होगा टीम का। फिर तैयार अपने बॉलिंग मार के पर आइटम राउंड द गेट से, और वन शॉट एक रन मिलेगा, एक अति रन से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंच 18 रन, 18 रन, 2 ओवर के इख्तिताम पे बागमारला का स्कोर है 18 रन। एक मजबूत स्थिति में वहां पर आरावी, तीसरी ओवर लेके आए सानी, वेरी फनी, और एक अपील भी वहां पर अठारह पे, वहां पर एक स्कोर वहीं पे रुका हुआ, थमा हुआ, जमा हुआ आरावी का, बागमारला का। सोनिया है तीसरी ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के लिए, अच्छा शॉट लगाया, एक रन चुराने में जरूर कामयाब है। रन से स्कोर बढ़ता है, स्कोर जा पहुंचा 19 के ऊपर 19 के ऊपर, जबकि लास्ट चार गेंद ना शेष बाकी अभी भी तीसरी ओवर की। फिर तैयार अपने बॉलिंग मार के ऊपर, अच्छा अच्छा शॉट लगाया और एक रन से संतुष्ट होने के बाद स्कोर जा पहुंचा 2 अंकों में 20, जबकि लास्ट 3 गेंद आना बाकी। इस बात को नोट कर ले इस इनिंग के, अच्छा शॉट लगाया, बुला शॉट लगाया, उतनी खूबसूरत सी फील्डिंग, एक अतरन से स्कोर में बढ़ोतरा, एक 21 रन, एक अच्छा सा ब्रेक जरूर लगाया है बागमारला की बैटिंग के ऊपर आरावी ने। फिर से वन बाउंस और टैप करने की कोशिश करने के बाद एक रन चुराया, दूसरे रन के लिए अपील और ये आउट, जबकि लास्ट 1 गेंद आना शेष बाकी अभी भी, स्कोर जा पहुंचा है डबल दूरी 22 रन। कितने विकेट गए, लॉट्स ऑफ 5 विकेट्स। तैयार अपनी बॉलिंग मार के ऊपर, फिर से अच्छा सा शॉट खींचा लेकिन एक रन चुराने में जरूर संतुष्ट हुए, एक अति रन से स्कोर में बढ़ोतरी रही 23। अगर ये मैच आरावी को जीतना है तो मुकरा 3 ओवरों में 18 गेंदों में 24 रन बनाने होंगे। अठारह गेंदों में 24 रन बनाने होंगे आरावी को, और हर बार की तरह फुरकान और दानिश, फौजान और दानिश एक, और ये क्लीन बोल्ड होने के बाद पवेलियन वापस। परेश आए हैं साथ देंगे मेरा यहाँ पर आके, प्लीज परेश कमेंट्री बॉक्स में चले आए, और बुलेट शॉट लगाया ए वन मॉन्सॉन, उतनी वहां पर जोरदार अपील भी और एक प्रेशर बनाने की कोशिश वहां पर। परेश आए हैं आगे का आंखों देखा हाल परेश भी बताएंगे।
और काफ़ी अच्छे अंपायरिंग देखने मिल रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए तीनों अंपायर शायद एक नतीजे पे अभी तक पहुंचे नहीं, इसके लिए शायद मुझे लगता है कि लाइव की तरफ जा रहे, और जो भी डिसीजन रहेगा फेयर रहेगा, दोनों टीम उसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि यहाँ पे किसी का फेयर किया नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे वैजू द्वारा, पहले गेंद पे दानी जैसा एक बड़ा विकेट निकाला था, और उसके बाद अच्छी फील्डिंग का मुजहरा बागमांडला द्वारा, और एक अच्छा क्रिकेट देखने मिल रहा है हमें, काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी दिनों के बाद ये नए नए टीम देखने मिल रहे हैं, शायद आरा भी पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट में दिख रही है, बागमांडला है, हरेश्वर है, कालिंजा है, ये छोटे छोटे गाँव से जो टीम बिलोंग्स अभी कर रही है, और काफ़ी बढ़िया डिसीजन यहाँ पे। ये दूसरा झटका है शायद आरावी को, और मैं बता रहा था कि जैसे छोटे छोटे टीम है वो आने चाहिए, भले वो हार जाए स्टार्ट में, लेकिन एक थोड़े टाइम के बाद उनको ये क्रिकेट सीखने मिलेगा कि कैसा होता है, कैसे गेम चलाना है, क्या पोजीशन रहती है, और आगे चल के ये टीम निश्चित तौर पे एक अच्छे टीम के उभर आएंगे। देखते हैं, खाता अभी तक शायद खुला नहीं, और ये नो बॉल, इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी अभी तक वैजू द्वारा, और इसके बाद एक खराब गेंद। हम सभी शायकिनों से तवे और सभी टीमों से आज थोड़े हमसे थोड़ा लेट हुआ है मैनेजमेंट से, तो उसका सभी से हम माफ़ी मांगते हैं कि थोड़ा जब पानी से की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे ग्राउंड में। और एक अतिरिक्त रन, पहली जी दो या तीन गेंदें अच्छी डाली थी वैजू ने, लेकिन बाद में जो उनकी लाइन भटक गए वो अभी तक लाइन में नहीं आ रहे, एक नो गेंद, उसके बाद फिर से वाइट, दो गेंदों में चार रन, और फौजान काफी बढ़िया शॉट, एक मिनट स्कोर, एक एक मिनट भाई, स्कोरर यहाँ पे चार बता रहे हैं, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो। हाँ एक मिनट, स्कोरर से उन बोला ना, हाँ हाँ एकानिस बोला भाई, जो भाई हमारे स्कोरर से थोड़ी गलती है, हमको एक्सेप्ट है, सिर्फ आके बता दीजिए कि हम, हाँ और फौज भाई लांबे जिन्होंने आज अच्छा दिन संभाला है, पूरे दिन कमेंटेटर का एक पूरा पोल शायद से, ये सेकंड जो ग्रुप था वो पूरा फर्स्ट बाय लांबे इन्होंने संभाला है, चार गेंदे चार रन, और शायद मुझे लग रहा है कि काफी लंबे समय के बाद वो कमेंटेटर में बैठे, एक मले का ग्राउंड था जब फर्स्ट लांबे की कमेंट्री काफी पसंदीदा करते थे लोग और फेमस भी थी, और बहुत समय के बाद हमें आज फिर से वही आवाज सुनने मिली है। क्या गेंदबाजी कर रहे, स्लोअर लाइन की गेंद है लेकिन बैट्समैन उसे पढ़ नहीं पा रहे, शायद से एक अच्छे लाइन पे हम कह सकते हैं, जिस तरह से हम जानते हैं कि शोएब अख्तर हो, ब्रेटली हो, ये पेस के लिए जाने जाते थे, लेकिन ग्लेन मैग्राथ हो, मुनाफ पटेल हो, ये गेंदबाज भी काफ़ी किफ़ायती गेंदबाज करते थे या विकेट टेकर होते थे, क्योंकि उनकी एक जो लाइन लेंथ थी ना वो सटीक थी, उनके पास ब्रेटली या अख्तर जैसा पेस तो नहीं था, लेकिन जो लाइन वो पकड़ते थे। और यहाँ पे खराब गेंद, अब्बास ने काफी अच्छी कोशिश की थी लेकिन वो रोक नहीं पाए दो रन को, टोटल तीन रन मिल गए, सॉरी एक ही रन है, सॉरी काफी बढ़िया। यहाँ पे मिसफील्ड, जिस बाउंड्री की जरूरत थी यहाँ पे आराबी को वो मिल चुकी है। फहद भाई अभी आपको क्या लगता है, ये मुकाबला अभी 50-50 हो गया है, किसके तरफ झुक सकता है, आपको क्या लग रहा है कि वो कौन सा टीम होगा जो आज क्वालिफाई करेगा? पहली बात तो ये क्रिकेट है, कहाँ जा नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल से एक आराबी एक बैटिंग में एक मजबूत हिस्से में जरूर है तैयार। अपने फुल टॉस बॉल के ऊपर एक बुलेट शॉट लगाया परेश, एक अच्छी फील्डिंग वहां पर, खूबसूरत फील्डिंग वहां पर, तीन रन रुका है अपनी टीम के लिए, उम्दा फील्डिंग है, तरह से स्कोर में बढ़ता है, स्कोर जा पहुंचा 12 के ऊपर 12 के ऊपर।
10 गेंदों में 12 रन परेश, देखते मैच किसके झोली में जाके गिरता है। तैयार अपने बॉलिंग मार के पर आइटम राउंड विकेट से 10 गेंदे 12 रन, रोमांच भरा मुकाबला। 27 टेम्परेचर, अंपायर का इशारा नो बॉल, डेड बॉल दिया है अंपायर ने या नो बॉल दिया है, नो रन दिया है, बॉल काउंट होगी और नो रन कुआ का। नो रन से यहां पर परेश, जैसे कदमों का इस्तेमाल होता है तो वहां पर नो रन का अंपायर इशारा देते हैं। एक मिनट आप प्लीज आप कमेंट ना करें, वहां पे आप आराम से वहां पर रुके, जो फेयर होगा वही अंपायर आपको डिसीजन देंगे। प्लेयर डिस्कस ना करें प्लीज, वहां पर हमने अंपायर रखा है और चौथी आंख वहां पर जरूर है, वहां पर कैमरामैन की, जैसा भी हम आपको सेव करना चाहे वैसा जरूर करेंगे। आप पूरा क्रिकेट पूरा मैच फेयर होगा, किसी का ना साइड दिया जाएगा, हमें यहां पर रियल क्रिकेट खेलना है प्लीज। बारह चुका है स्कोर, अच्छा शॉट लगाया फॉलो थ्रो में, खुद फील्ड किया, वहां पर कोई रन नहीं, वहां पर आठ गेंदे 12 रन परेश, देखते हैं मैच किसके झोली में जाके गिरता है। तैयार अपने बॉलिंग मार के पर आइटम रन द विकेट से, जबकि लास्ट दो गेंद आना बाकी दूसरी ओवर की, कुछ वहां पर क्रिकेट का जादू जरूर सिखा रहे कि आपको ऐसी इस ओवर शॉट्स लगाने होंगे। आठ गेंदों में 12 रन, एक रोमांच भरा मुकाबला, देखते हैं मैच किसके झोली में जाके गिरता है। काफी लेट हो चुका है, रात के 1:18 हो रहे, मेरी आवाज से काफी यहां पर आजू बाजू की बस्ती वाले को तकलीफ जरूर होती होगी, उनसे माजरत चाहने के बाद अंपायर का इशारा आया एक रन। 13 हो चुका है स्कोर, सात गेंदों में 11 रन, फिर से अपने बॉलिंग मार के ऊपर आइटम रन द विकेट, सात गेंदे 11 रन आइटम रन द विकेट से, और ये क्लीन ओवर टू परेश, छह गेंदे 11 रन। जैसे फहद भाई ने बताया था कि ये क्रिकेट है, कहाँ पे जाएगा बता नहीं सकते। 10 गेंदों में 12 रन थे, अब 6 गेंदों में 11 रन, यानी काफ़ी अच्छा कमबैक देखने मिला यहाँ पे बागमांडला द्वारा, और खुद एक्सपीरियंस खिलाड़ी पप्पू आतिक, मैन फ्रॉम बागमांडला, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, काफ़ी बड़ा तजुर्बा है क्रिकेट खेलने का, लेकिन ये स्कोर डिफेंड करते हैं कि नहीं ये देखने लायक होगा। और एक रन यहाँ पे मिलता हुआ, शायद बैट्समैन की यही कोशिश थी कि अपने मेन बैट्समैन को स्ट्राइक पे लाए कैसे भी करके, अगर ये मैच बचाना है तो अपने स्ट्राइकर बैट्समैन के बल्ले से अगर दो बाउंड्रीज निकलती है, और ये क्रिकेट है कभी कभी तकदीर इतने साथ देती कि दो गेंदों में 12 भी बन जाते हैं और कभी कभी दो गेंदों में एक भी नहीं बनता है, देखते क्या होता है। अभी तो फिलहाल 10 रनों की आवश्यकता है, 5 गेंदों में एक बाउंड्री भी जिता सकती है यहाँ पे, और मैंने बताया था कि एक बाउंड्री भी यहाँ पे जिता सकती है। 5 गेंदे 9 रन, ये काउंटडाउन का मुकाबला चल रहा है और इस दिन का ये आखिरी मुकाबला हो सकता है। काफ़ी बढ़िया शॉट अब्बास वहाँ पे फील्डिंग करते हुए एक सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में, और यहाँ पे स्ट्राइक चेंज हुई है, ये बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ पे आरावी को, उनके जो मेन बैट्समैन थे वो नॉन स्ट्राइक एंड पे चले गए। पप्पू राइट अम राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे, एक गेंद वाइड जरूर डाली थी लेकिन बड़ा स्ट्रोक मारने से रोक दिया है अभी तक। काफ़ी बढ़िया शॉट खेला है वैजू ने, उतनी अच्छी फील्डिंग की है, पहली जो गेंदबाजी की थी वैजू ने उसी पे रोक लगा, और ये मैच एक मिनट है, एक मिनट पप्पू, एक मिनट, कंपल्सरी चेज है ना, कंपल्सरी चेज है। 3 गेंदों में 7 रन, एक जो बाउंड्री ढूंढ रहे अभी तक मिली नहीं यहाँ पे, ओ यहाँ पे मिस करते हुए। अब आने वाली 2 गेंदों में 6 रन,
अगर इस बॉल पे दो रन भी दौड़ के लेते तो भी एक गेंद में चार रन। ये क्रिकेटिंग कैलकुलेशन सीखना चाहिए आरआरबी को। और काफी बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में पप्पू द्वारा। पप्पू एक्सपीरियंस खिलाड़ी, उन्होंने जीत दिलाई अपने। काफी बड़ा स्कोर तो नहीं था, एक मिसफील्ड की बाउंड्री जरूर आई थी वहां से, ऐसा लग रहा था कि यार रवि की तरफ एक गेम झुका था, लेकिन पप्पू वहीं पे अच्छी गेंदबाजी की और काफी बढ़िया गेंदबाजी। क्या कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है पप्पू में, बेहतरीन हार्ड लक आ रहा भी। काफी अच्छा खेल रहे थे आप, देखने लायक था आपका गेम स्पिरिट। आने वाली टूर्नामेंट्स में आप इससे भी ज्यादा करेंगे ये उम्मीद करते हम। और कॉन्ग्रेट्स टू बागमांडला, शायद फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हुई होंगी इस बड़े टूर्नामेंट। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा फहद लांबे के हाथों से, और जिन्होंने आखिरी ओवर पे ये गेम पूरा अपनी तरफ कर लिया, सिकंदर भाई के हाथों से दिया जाएगा। सॉरी पप्पू फ्रॉम बागमांडला आतिक, एक अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा, इतने सालों का खेल जो खेल रहे वो आज निकाल रहे। और उन्हीं के गांव वाले बोल रहे कि 35 साल की उम्र है, उसमें से 34 साल वो खेले, एक साल खाली उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, उतने सालों से वो क्रिकेट खेल रहे। लेकिन कुछ भी हो, वो 35 साल हो 34 साल हो, आज दिखाई दिए उन्होंने। और सिकंदर भाई के हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा, जो बहुत टाइम निकाल के यहाँ पे आए पप्पू मैन फ्रॉम बागमांडला। बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रदर्शन किया, अपना एक्सपीरियंस पूरा झोंक दिया था। काफी बढ़िया गेंदबाजी, जो गेंदबाजी देखने लायक, आखिरी के ओवर में जो रन चाहिए थे वो डिफेंड किए। कल सभी टीमें टाइम पे आए और कल ढाई या तीन बजे मैच चालू होंगे, सो प्लीज सभी टीम टाइम पे आ जाए। दस कॉर्नेटो की यहाँ पे मैच लग गई है। फहद लांबे एक कैप्टन होंगे और एक सिकंदर भाई कैप्टन होंगे, दोनों के बीच में एक बड़ा मुकाबला। एक फहद भाई की टीम जो कि कैप्टन रहेंगे फहद लांबे, और एक सिकंदर फाइटर्स, वो सिकंदर भाई की टीम एक रहेगी। आइसक्रीम का मैच लगा है, जितने भी खिलाड़ी खेलेंगे और जीतने वाले ही टीम को सारे आइसक्रीम मिल जाएंगे, 10 आइसक्रीम।